जनपद में फायर विभाग व आपदा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आग से बचाव के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में मॉक ड्रिल किया गया, जिसके संबंध में प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि अचानक सूचना मिली कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में आग लगी हुई है। तत्काल मौके पर फायर विभाग को सूचित किया गया और NDRF व SDRF को बुलाया गया और जो लोग फंसे हुए थे उनको दीवार काटकर बुलाया गया और जो घायल थे तत्काल एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया गया, जो कि फायर मॉक ड्रिल था, जो कि बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों को मैसेज दिया गया कि आग लगने पर किस तरह तय समय में विभाग काम करता है, यह देखा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा गोरखपुर हूं। अभी सूचना मिली थी कि जो विश्वविद्यालय की आर्ट फैकल्टी है यहाँ पर आग लगी हुई है। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड आ गई है, NDRF आ गई है, SDRF आ गई है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको आप देखिए स्ट्रेचर पर निकाला जा रहा है और अभी पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और ये एक फायर मॉक ड्रिल थी जो पूरी तरह से सक्सेसफुल तरीके से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का क्या मैसेज दिया गया? इससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कहीं पर आग लगती है तो हम लोग कितना तैयार रहते हैं और सूचना मिलने के बाद कितनी जल्दी हम साइट पर पहुंच जाते हैं और चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है, कैसे हम दीवार काट सकते हैं, कैसे अन्य चीज़ें हम कर सकते हैं।